मानव सेवा दल द्वारा हर साल सद्भावना सभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस साल भी दिल्ली में हुए 3 दिन के इस प्रोग्राम में बाल सभा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों के बच्चों ने भाग लिया और संगीत और नृत्य की विभिन्न श्रेणियों के तहत परफॉर्मेंस दी। सभी प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अद्भुत प्रदर्शन दिखाया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रोग्राम में सतपाल महाराज की छोटी बहू राजकुमारी मोहिना कुमारी की उपस्थिति ने सभी को अधिक उत्साहित कर दिया। इस मौके पर मोहिना कुमारी ने सभी को बच्चों से खुश रहना सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए सुनते हैं उनकी कुछ बातें। बच्चे खुशियां ढूंढते हैं और हम जैसे बड़े होते जाते हैं हम दुख ढूंढने लगते हैं। तो हम क्यों ढूंढे दुख जब हमारे पास हमारे सामने ऐसे उदाहरण होते हैं कि हम इन्हें देख के ये जो छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं, हम क्यों नहीं भाग सकते उन छोटी छोटी खुशियों के पीछे। बच्चे तो ये नहीं बोलते कि अरे देखो उसने क्या किया, अरे देखो उसने क्या कहा, अरे वो देखो देखो क्या कर रही है क्या कर रही है, वो देखो क्या कर रहा है क्या कर रहा है। गलतियां नहीं ढूंढते बच्चे, लेकिन हम जैसे बड़े होते जाते हैं गलतियां ढूंढते रहते हैं। छोड़ दिया करें गलतियां, रहने दिया करें। कोई बच्चा अगर स्टेप भूल जाता है स्टेज पर तो हम थोड़ी ना उसके सर पे तांडव करने लगते हैं, हम बोलते हैं बच्चा है रहने दो। तो हम ये भी कह सकते हैं अरे हो गया इंसान है रहने दो। मैं तो बच्चों से बहुत सीखती हूँ। जब कभी भी मन उदास हो जाता है, जब कभी भी मन उदास हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि अब कैसे अपने आप को खुश करूँ, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम खुद को भी खुश करें। तो मैं जाके या तो श्रेयांश जी के सामने बैठ जाती हूँ या तो रीवा में छोटी हमारी राजकुमारी सुरवंशता जी हैं उनके सामने जाके बैठ जाती हूँ और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के पास एक वो ताकत है कि वो हमें किसी दूसरे देश ले जाते हैं, किसी दूसरे प्लेनेट पर ले जाते हैं और ये खुशी बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही साफ सुथरी खुशी होती है। तो हम सब ऐसे क्यों नहीं हो सकते। मैं इन बच्चों से देखकर आप सबसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि इनसे भी सीखिए, अहम ना रखें कि अरे ये तो बच्चे हैं कुछ भी बोलते हैं, अहम ना रखें, बच्चों को देखें और उनसे भी सीखें, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो चीज़ें भी हमें सिखाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, और वो चीज़ें इस ज़माने में हम भूल रहे हैं और इसकी मैं कदर करती हूँ और चाहूँगी कि आप सब भी कदर करें और बच्चों की कदर करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। राज बन्ना करके एक कैरेक्टर थे, उनसे मेरी बहुत बातचीत होती थी, वो बहुत ज्ञानी थे और एक बार उन्होंने हमारी ऐसी बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे जो माता पिता थे वो एक दिन मुझे बोलते थे कि तुम सब्जी काटो और बेटी को बोलते थे, मतलब उनकी बहन को बोलते थे कि तुम जाओ बल्ब लगाओ, फिर दूसरे दिन उल्टा करते थे कि अच्छा चलो बेटी अब तुम सब्जी काटो, अब बेटा तुम नल बनाओ। तो ऐसा नहीं था कि नहीं बेटी सिर्फ तुम सब्जी काटो और बेटा सिर्फ तुम बल्ब लगाओ,
दोनों ही इंसान होते हैं, दोनों ही इंसान होते हैं, दोनों में ही खूबियां होती हैं। तो बेटा बेटी दोनों का मान करें, एक तरह से दोनों का मान करें, एक तरह से दोनों का सम्मान करें, क्योंकि ये बच्चे बड़े होंगे, ये बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे कि आप उनको कुछ भी कह दें और वो भूल जाएंगे। नहीं, बच्चे याद रखते हैं, बच्चे सब याद रखते हैं, इसलिए उन्हें सही शिक्षा दीजिए, उन्हें सही ज्ञान दीजिए, और उनकी जो एनर्जी होती है, इतना उत्साह होता है दिमाग में शरीर में, बहुत उत्साह होता है बचपन में, तो ऐसे मंच उन्हें मिले जहां वो आके अपना नृत्य, संगीत, पेंटिंग, जो चीजें वो करना चाहें, जो उनको सही राह पर ले जाए, तो उस तरह उनका साथ दें। और मैं बहुत खुश हूँ इन सारे बच्चों को देखकर। कुछ बच्चों को शायद मैंने मिस कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। मैं उदास तो नहीं थी कि मैं बच्चों को देख के खुश हो गई, मैं खुश थी और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई सबको देखकर। धन्यवाद सबको, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और सारे प्रेमियों को यहाँ जो उपस्थित हैं, और सारे महात्मा जी, सारे भाई जी, और सारे कलाकार जो भी हैं यहाँ पर, सबको मेरा आशीर्वाद।